चुनाव से पहले ईडी के निशाने पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, एयर इंडिया घोटाले में कसेगा शिकंजा। चिदंबरम का मोदी सरकार पर निशाना, पूछा देश में आजादी, समानता और भाईचारा कहां है। दिल्ली में घुसे जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी, बड़े हमले को दे सकते हैं अंजाम। शिवपाल बोले, सपा को तोड़ने के पीछे रामगोपाल यादव, 2022 चुनाव में नहीं होगा कोई समझौता। बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनी वार, आमिर से सलमान तक बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड टूटे। एयर इंडिया के हुए घाटे से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए सिलसिले में एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नागर विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल पहले भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हो चुके हैं। ईडी को शक है कि एयर इंडिया घोटाले में कई बड़े लोगों को पैसा पहुंचाया गया था। बता दें कि एयर इंडिया को हुए घाटे से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रफुल्ल पटेल पहले भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हो चुके हैं। पटेल 2004 और 2011 के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रभारी भी रहे हैं। जेल में बंद चिदंबरम ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भाईचारा पूरी तरह से मर गया है, जातिवाद और कट्टरता हावी होती दिख रही है, आजादी कमजोर दीपक की तरह धीमी लौ में जल रही है, क्या ये प्रज्वलित होगी या बुझ जाएगी, केवल समय ही बता सकता है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकी राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली में आज पुलिस की स्पेशल सेल ने कई जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी आतंकी हमले का अलर्ट मिलने के बाद हुई है। सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली कि 3 से 4 हथियार बंद आतंकी दिल्ली में घुसने में कामयाब रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली में 9 खुफिया ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में स्पेशल सेल को कुछ खुफिया जानकारी भी मिली। दिल्ली में घुसे आतंकी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। छापेमारी कल शाम खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि कश्मीर में बैठा जैश का कमांडर अबू उस्मान ने कश्मीर में अपने साथियों से कहा था कि जम्मू और दिल्ली में बड़े धमाके होंगे, हमारे साथी वहां पहुंच गए हैं। दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट रहने को कहा है। महाराष्ट्र प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ सुलह होने की सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। शिवपाल ने कहा कि अगले चुनाव में सपा से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। शिवपाल ने कहा, 2022 के विधानसभा चुनाव में समय आने पर समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन के रास्ते खुले रहेंगे, लेकिन सपा से कोई समझौता नहीं होगा। शिवपाल पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के करीबियों में शामिल भंडार कुआं निवासी अंजुम रजा के निधन पर उनके परिवार वालों को संतावना देने बुधवार को यहां उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव पर निशाना साधा और कहा कि सपा को कमजोर करने और तोड़ने के पीछे रामगोपाल यादव का षड्यंत्र था। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर एक्शन का ऐसा धमाका किया है जिसमें बॉलीवुड की सभी फिल्मों की कमाई के रिकॉर्ड धराशायी हो गए हैं। इस फिल्म को पहले दिन बम्पर ओपनिंग मिली है। यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनकर उभरी। ये फिल्म कुल 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ पहली बार एक साथ नजर आए। इस फिल्म को समीक्षकों ने भी अच्छा बताया है और रेटिंग भी अच्छी दी है। इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। इसमें ऋतिक और टाइगर के साथ वाणी कपूर भी हैं।